पब्लिक टीवी आपकी आवाज। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में विद्युत विभाग के जेई संतोष कुमार मौर्य द्वारा अपने ट्विटर अकाउंट पर मुस्लिमों पर की गई अभद्र टिप्पणी के बाद से मुस्लिमों में खासी नाराजगी देखी जा रही है। इस अभद्र टिप्पणी के विरोध में समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने डीएम कार्यालय पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया और अभद्र टिप्पणी करने वाले जेई के खिलाफ कार्यवाही करते हुए एक अधिकारी को बर्खास्त करने की मांग की है। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के नाम प्रेषित एक ज्ञापन भी जिलाधिकारी कार्यालय में सौंपा है। इस दौरान सभी के द्वारा कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया गया और मांग की गई कि जल्द से जल्द इस अधिकारी को सस्पेंड किया जाए। आज हम इस बात को लेके अपने साथियों के साथ वादित अधिसभा अधिवक्ता सभा महानगर अध्यक्ष विनोद विगल जी के साथ इसलिए आए हैं कि संतोष कुमार जय साहब ने जिस तरीके से बस सलूकी की है, अपने ट्विटर अकाउंट से एक मैसेज डाला है कि बिजली चोरी छोड़ दो वरना आपको कब्रिस्तान तक भिजवाया जाएगा। ये सिर्फ मुसलमानों की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाया बल्कि उन कमजोर सेकुलर हिंदुस्तानियों की ठेस पहुंचाया है जो हिंदुस्तान में एक गंगा जमुना तहजीब का माहौल बनाती है, चाहे वो हमारे हिंदू भाइयों, चाहे सिख भाइयों, चाहे ईसाई भाइयों, चाहे वो मुस्लिम समाज का कोई भी कमजोर व्यक्ति क्यों ना हो। आज हम इस बात की मांग करते हैं महामहिम राज्यपाल जी से और यूपी के मुख्यमंत्री जी से, अगर इस तरीके से कोई जय मुरादाबाद के अंदर या प्रदेश के अंदर या देश के अंदर अगर माहौल बनाता है तो आने वाला लोकसभा चुनाव जो है वो योगी जी अपनी भारतीय जनता पार्टी से लड़ना चाहते हैं, लेकिन अगर इस तरीके से माहौल बिगड़ेगा देश का तो आने वाले लोकसभा में इसका मुसलमान ही नहीं बल्कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई समाज सब मिलके इसका जवाब मुंहतोड़ जवाब देंगे आने वाले लोकसभा के अंदर। और इंशाअल्लाह ताला की जीत उसी की होगी जो कमजोरों की बाबुलन आवाज से अपनी आवाज उठा के और मिला के चलता है।